यहां से अभी मैंने बोला कि जैसे इसको हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 16 अपॉन में, यहाँ पे 81 और इसका पावर कितना आपको दिख रहा है, ये प्लस का 3 अपॉन में 4 है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन देख रहा है, मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए यहाँ पे, इसको आप क्या करोगे 9 अपॉन में 25 का पावर, ये आप इसको कितना लिखोगे 3 अपॉन में। फिर यहाँ पे आपको एक डिवाइड का साइन दिख रहा है, उसको 2 अपॉन में आप 5 लिखेंगे और इधर पावर में कितना 3 है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, तो आप इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा आप देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे 3 अपॉन में 5 लिख सकते हैं, और इस पूरे का पावर कितना दिख रहा है 3/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर डिवाइड चल रहा है, डिवाइड ऐसे आप लिख करके आएंगे, ये 2 अपॉन में कितना दिख रहा है आपको 5 का पावर, और इसका पावर कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है ना। अच्छा अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पे है ना ऐसे कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है, और ये पूरा जो दिख रहा है अभी आपको ऐसे लिख रहा है, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन में 3 का पावर कितना 4 लिख सकते हैं, और इस पूरे का पावर कितना आपको दिख रहा है 4, ये आपको दिख रहा है 3 अपॉन में 4, ठीक है। और बीच में कौन सा साइन चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा अभी देखो, यहाँ इस 4 से 4 को कट कर सकते हैं, यस सर, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, इस 2 से हम 2 को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो जो आपको दिख रहा है वैसे आपको लिख लेना है, यहाँ पे 2/3 का पावर आपको क्या दिख रहा है 3, और इनटू में इधर आपको दिख रहा है 3 अपॉन में 5 का पावर कितना 3 दिख रहा है, और यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है आपको कितना 2 अपॉन में 5 का पावर कितना आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट था, आप इसको ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा अब आपको मैं एक छोटा सा चीज समझाता हूँ, देखो अगर यहाँ पे क्या है, पावर अगर आपको सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है सेम, लेकिन नंबर यहाँ पे क्या है डिफरेंट दिख रहा है, नंबर क्या है अलग है, तो हम क्या करते हैं इस नंबर को यहाँ पे 3 अपॉन में 5 और एक बार ऐसे डिवाइड कर देंगे 2 अपॉन में 5 को, और इस पूरे का पावर 3 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे ये भी पावर सेम है, ये भी पावर सेम है, तो पावर सेम होता है तो पहले इसको डिवाइड कर देंगे और उसके ऊपर क्या कर लेंगे इस पावर को लिख लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, और ये 2 अपॉन में 3 का पावर आपको 3 दिख रहा है, आप इसको एज इट इज लिख करके, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आपको पता है डिवाइड में ऊपर जाएगा, तो 3 अपॉन में 5 और इंटू में ये 5 अपॉन में कितना 2 आएगा, और इस पूरे का पावर आपको 3 दिख रहा है, और इंटू में इधर 2 अपॉन में 3 का पावर आपको 3 दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स में, ये 3/2 दिख रहा है, यानी यहाँ पे 3/2 आपको दिख रहा है, इसका पावर कितना 3 है, और इंटू में यहाँ पे 2/3 का पावर कितना दिख रहा है 3। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको समझ, इस बार पावर सेम है, बेस अलग अलग, बेस क्या है अलग अलग, तो ये चीज आपको समझना है। अब इसको देखो जल्दी, अगर नंबर सेम हो और पावर अगर क्या हो सेम हो, तो हम क्या करते हैं ये 2/3 इंटू में कितना लिखेंगे 3/2, ठीक है, और इस पूरे का पावर कितना होगा 3। तो ये 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, कितनी बार है 1 बार है, तो 1 का पावर कितना चल रहा है 3, और 1 का पावर 3 कितना होता है 1, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, बोलिए कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से इसमें हम लोग एक आइडेंटिटी सीखे, और वो आइडेंटिटी क्या है, तो देखो जरा ध्यान से, अगर कोई भी नंबर हो है ना, जैसे अगर आप समझो ए का पावर अगर एम लिखा हो और बी का पावर अगर एम लिखा हो, इस बार नंबर क्या है डिफरेंट है, नंबर क्या है डिफरेंट है, और बेस क्या है, बेस मतलब पावर क्या है, सॉरी पावर क्या है सेम है, पावर हमारा सेम है और बेस हमारा डिफरेंट है, तो आंसर कैसे लिखते हैं, इसमें आपस में इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे पावर को ऐसे एक बार लिख लेंगे, है ना। मुझे लगता है किसी को इसमें दिक्कत है, है ना। अच्छा इससे एसोसिएटेड एक और भी फॉर्मूला पहले से, जो पहले से आपको पता है, अगर ए का पावर एम हो और यहाँ ए का ही पावर अगर एन हो, यहाँ ए क्या दिख रहा है इस बार, हाँ मतलब इस बार आपको दिख रहा है कि जो बेस है वो सेम है, बेस क्या है सेम है, और पावर वो क्या है डिफरेंट दिख रहा है, पावर क्या दिख रहा है आपको डिफरेंट, तो आप इसको कैसे लिखते हैं ए का पावर एन प्लस में एन लिखते हैं, है ना। ये छोटा छोटा आपको फॉर्मूला ये सब पता होना चाहिए ना, एक्सपोनेंट में आप पढ़ चुके हैं, चलिए आप इसको कॉपी कीजिए अगले क्वेश्चन का। चलो देखो एक बार अभी क्या करते हैं हम लोगों, यहाँ पे एक बार पहले एक बेसिक जो फॉर्मूला है उसको आप ध्यान से एक बार देख लो, ठीक है, आप समझना।
देखो कुछ ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपको ध्यान रखना है। इसमें बेसिकली एक दो बात क्या ध्यान रखना कि जैसे आपको पता है कि a बाई बी का पावर अगर m हो और इनटू में अगर a बाई बी का पावर अगर n हो, तो देखो यहाँ पे ये बेस जो दिख रहा है ये दोनों सेम है और पावर क्या दिख रहा है, पावर डिफरेंट, यानी ये हमारे पास डिफरेंट है और ये हमारे पास सेम है, ठीक है। तो आपको पता है कि इन दोनों के बदले एक बार अपने को लिखते हैं a बाई बी और जो पावर है उसको हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, एड कर देते हैं, m प्लस, ये रूल नंबर वन। अच्छा ये आपको खुद भी लिख करके इसका प्रैक्टिस करना है तभी आप कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे क्या करना है कि अगर a अपॉन में b लिखा है और यहाँ पे पावर में m है और इनटू में इस बार क्या है मल्टीप्लीकेशन के जगह पे मेरे से डिवाइड लिख देते हैं और a बाई बी का पावर अगर n है तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों के जगह पे आपको क्या करना है एक बार a बाई बी लिखना है और n माइनस का n करना है। अच्छा यहाँ पे जो दिख रहा है इसको बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस। तो बेस इस बार क्या दिख रहा है सेम और पावर क्या दिख रहा है आपको डिफरेंट, पावर आपको डिफरेंट दिख रहा है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर तीन पे अगर मैं बात करने जाऊं तो आप जरा ध्यान दीजिए, मतलब अगर ये नंबर a बाई बी लिखा हुआ है और इस पूरे का पावर अगर m चल रहा है ना और इसके अलावा इस पर कोई पावर रेट से m n आ गया है ना, तो आप क्या करना यहां से एक बार a बाई बी लिख लेना और इस पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है m इनटू का n हो जाएगा, है ना। अच्छा अगर इसके ऊपर भी कुछ अगर होता तो उसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अगर यहाँ पे रूल नंबर फोर्थ देखा जाए और यही सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभी आपके क्वेश्चन में लग रहा था, है ना, कि अगर यहाँ पे a बाई बी का पावर m हो और इनटू में c बाई डी का पावर अगर m हो, मतलब इस बार क्या है कि बेस डिफरेंट हो गया, बेस क्या है डिफरेंट है लेकिन पावर क्या दिख रहा है, पावर हमारे पास सेम दिख रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करेंगे पहले इसको अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a बाई बी इंटू में कितना c बाई डी कर सकते हैं और पावर m कर सकते हैं। अच्छा यही बात डिवीजन के केस में भी लग रहा है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम क्या करें सिक्स नंबर पे अगर हम देखें फिफ्थ नंबर पे, तो ये a बाई बी का पावर अगर ऐसे m हो और डिवाइड चल रहा हो c अपॉन में d का पावर m, तब भी हम इसको कैसे लिखते हैं, एक बार a अपॉन में b लिखते हैं डिवाइड में c अपॉन में d लिखते हैं और इसका पावर कितना लिख लेते हैं, ये रूल नंबर फाइव आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर सिक्स क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो a बाई बी का पावर अगर जीरो हो तो आंसर जो होगा वो बराबर वन, ठीक है। अब यहां से पॉइंट नंबर सेवन एक चीज समझते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं इनकेस अगर जीरो का पावर जीरो ऐसे आ जाए तो आप इसको याद रखें कि ये नॉट डिफाइन होता है, क्या होता है नॉट डिफाइन, ये क्या है कैसे जब आप सीनियर क्लास में आएंगे तब ये बातें होगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जीरो का पावर जीरो जो होता है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है, इसका आंसर हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कुछ बेसिक्स है इसको आप ध्यान रखिए, इसके अलावा है ना, हाँ एक चीज और कर सकते हैं पॉइंट नंबर एट में, गुड। यहाँ से अगर a बाई बी का पावर अगर एट से माइनस में m लिखा हुआ है ना, तो हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करते हैं, b अपॉन में a का पावर ऐसे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है ना। जैसे अगर आप एक दो चीज देख लो, जैसे मान लेते हैं कि अगर a का पावर माइनस वन है तो इसका मतलब आप इसको वन बाई a लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये छोटा छोटा चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आप इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो तो पहले यहाँ समझो, देखो एकदम बच्चे वाले सवाल है, इसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है दो को अगर हम छह बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे दो को कितनी बार छह बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पे तो ये 64 आएगा और नीचे तीन से उसी तरीके से तीन को कितनी बार लिखना पड़ेगा, छह बार, है ना, छह बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया, और ये पूरा कितनी बार लिख रहा हूं मैं आपको, माइनस वन बाई सिक्स लिख रहा है आपको। तो अगर आप इसको लिखने जाओगे तो दो आपको कितनी बार दिख रहा है, छह बार, और तीन भी कितनी बार, छह बार। तो पहले इसको छह बार ऐसे लिख देंगे और इस पूरे का पावर कितना दिख रहा है, माइनस का वन बाई सिक्स, और अभी आपको सिखाया कि आपस में पावर क्या है, मल्टीप्लाई है, सिक्स बन जा सिक्स। अब ये टू अपॉन में
थ्री का पावर आपको क्या दिख रहा है, माइनस का पावर। अभी आपको कहता है माइनस का पावर अच्छा नहीं लगता, तुम प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, थ्री अपॉन में टू कर देंगे और इस पूरे का पावर वन, वन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यही हमारा बन जाएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन को बनते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आपको एक छोटा सा चीज समझ, ठीक है, ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये सिक्स अपॉन में थ्री रूट टू दिख रहा है आपको, दिख रहा है, और यहाँ पे माइनस का कितना लिखा हुआ, टू रूट का थ्री, और इज इक्वल टू ए रूट दो और प्लस में बी रूट आपको तीन दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, यहां देखो एक बार, मतलब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करें। इसको रेशनलाइज करने का मतलब हुआ कि थ्री रूट टू और ये माइनस में आपको जो दिख रहा था दो रूट तीन, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो माइनस का साइन है प्लस का है ना, यानी थ्री रूट टू प्लस में कितना टू रूट थ्री, और नीचे कितना लिख सकते हैं थ्री रूट टू और प्लस में कितना दो रूट थ्री, और इधर ना जो लिखा हुआ एज इट इज लिख करके आएंगे, मतलब आप इसको ए रूट टू लिख लीजिए और प्लस में बी रूट का थ्री लिख लीजिए। अच्छा देखो यहाँ पे खूब अच्छे से देखो, इसको हमें क्या करना है, इनसे मल्टीप्लाई करने जाना है, तो सिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हम लिख देंगे थ्री रूट टू और प्लस में कितना टू रूट का थ्री, और नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ए प्लस में बी और इंटू में ए माइनस का बी दिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस, तो ए आपको जो दिख रहा है उसके जगह पे थ्री रूट टू है, इसका स्क्वायर माइनस में थ्री का होल स्क्वायर आप कर दिया, और इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है ए रूट प्लस बी रूट और प्लस में कितना बी रूट का थ्री दिख रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं ऊपर ऊपर अगर सॉल्व करने जाऊँ तो ये सिक्स थ्री जा एटीन आपको दिख रहा होगा रूट टू, और कितना एटीन रूट टू दिख रहा है प्लस रूट टाइम्स ऑफ थ्री। अच्छा नीचे देखो ये थ्री का नाइन टू जा एटीन, और ये नीचे एटीन आपको दिख रहा है और थ्री का कितना ट्वेल्व और माइनस का कितना ट्वेल्व। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, जो सिक्स हम कॉमन किए थे ना उसको कॉमन ही रहने देते हैं, इससे एक फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा, यहाँ देखिए ये सिक्स टाइम्स ऑफ थ्री रूट के अंदर कितना दो दिख रहा है और प्लस में दो रूट के अंदर कितना तीन दिख रहा है, ये जो ऊपर लिखा उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इधर आपको दिख रहा है कि ये ए रूट टू है और प्लस में कितना बी रूट का थ्री है, ये दिख रहा है ना। अच्छा सबको पता है एटीन में से ट्वेल्व जाएगा कितना आएगा सिक्स, कितना आएगा सिक्स, नीचे आपको कितना दिख रहा है सिक्स, और सिक्स से सिक्स क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, जैसे सिक्स से सिक्स खत्म होगा ये खाली बॉक्स बचेगा, तो बॉक्स में क्या बचेगा थ्री रूट टू है ना, और प्लस में कितना दो रूट का थ्री, और इज इक्वल टू कितना ए रूट दो और प्लस में कितना बी रूट का थ्री। अब क्या करें, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, रूट दो वाले को रूट दो के साथ कंपेयर करेंगे और रूट तीन वाले को रूट तीन के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है, यहाँ से इम्प्लाइज है तो क्या लिख सकते हैं आप, इधर देखो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मतलब आप थ्री रूट टू के जगह पे आप लिखेंगे ए रूट टू है ना, और उसी तरीके से आप क्या करेंगे बी रूट थ्री के जगह पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू आपको दो रूट थ्री दिख रहा है ना। तो देखो रूट दो से रूट दो कैंसिल कर लेंगे तो ए की जगह पे आपको तीन दिख रहा है, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल करेंगे तो बी की जगह पे आपको दो दिख रहा है, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। किसी को दिक्कत तो नहीं है, आप इसको नोट करिए फिर आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन के लिए मैंने सबसे पहले क्या करना था कि जब भी x पता हो वन बाई एक्स निकालो, पहले क्या निकालो आपको पता है जब हम x निकालेंगे वन बाई एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो सबसे पहले वन बाई एक्स निकालो, अगर मैं वन बाई एक्स निकालने जा रहा हूँ तो मुझे वन बाई एक्स के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा वन, और अपॉन में कितना सेवन प्लस में फाइव रूट के अंदर दो, और अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करने जाए तो ये सेवन माइनस का फाइव रूट टू ऊपर लिखना पड़ेगा और नीचे सेवन माइनस का फाइव रूट टू लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें तो सेवन माइनस का फाइव रूट टू आपको ऊपर दिखेगा और नीचे एक बार ए प्लस में बी और इन टू में ए माइनस बी, तो सेवन का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस में फाइव रूट टू का होल स्क्वायर लिखेंगे। सबको पता है ऊपर तो सेवन माइनस में फाइव रूट टू दिख रहा है और यहाँ पे 14. आप देखो जरा ध्यान से सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन
है ना, और माइनस का 25 इंटू 2 बोले तो 50 यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे जो काम की बात है ना वो 7 माइनस का 5 रूट 2 और नीचे माइनस का 1 दिख रहा है ना। अच्छा अगर माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 7 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, मतलब जो प्लस वाला उसको हम पहले लिख लेते हैं, 5 रूट 2 और माइनस का 7 ये आएगा। मैं क्या बता रहा हूँ वापस, इस माइनस 1 को एक बार इसके हिस्से बांट दिया, इस माइनस 1 को एक बार इसके हिस्से बांट दिया, तो ये माइनस, अगर आप लोग मुझे बताओ 7 और माइनस 1 का क्या मतलब है, इस माइनस को ऊपर रखते हैं ना, माइनस 7 इसका मतलब होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जो प्लस वाला है उसको हमने पहले लिख दिया क्योंकि ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो प्लस, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो 1/x पता लग गया। हमने आपको ये सिखाया था कि x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर को लिखने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने लिखने का तरीका सिखाया था क्या, आप क्या करो कि x प्लस में 1/x का ऐसे होल स्क्वायर लिखो और माइनस का क्या लिखोगे 2 लिखो, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लेकर के माइनस का 2 ए बी वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक तो ये चीजें क्लियर है। एक्स के जगह पे आप लोगों को पता है एक्स के जगह पे आप क्या रखेंगे, एक्स के जगह पे आपको दिख रहा है 7 प्लस में 5 रूट 2, तो 7 प्लस में कितना लिख लेंगे 5 रूट 2, और यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पे 1/x की जगह पे कितना 5 रूट 2 और माइनस का कितना 7, इस पूरे का क्या करना है होल स्क्वायर और माइनस का 2 करना है। तो आप देखो इसमें से 7 से 7 इस बार कैंसिल आउट हो रहा है, 5 और 5 मिलकर के 10 रूट 2, इसका अपने को होल स्क्वायर करना है माइनस का 2 करना है। आपको पता है इसको दो बार गुणा करेंगे तो 10 10 100 100 2 कितना होगा 200, और 200 में से आपको 2 सबट्रैक्ट करना है, इसका आंसर 198 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है बी। इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कहीं पे लग रहा हो कि सर ये समझ नहीं आया है ना, सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का कली फॉर्मूला डिस्कस करें तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 ए बी वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है। इस बार ध्यान रखना है कि रूट वाला पार्ट नहीं कैंसिल हो रहा है, तो 5/√2 और 5/√2 मिलकर कितने 10/√2, और 10√2 का होल स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे 10√2 को ऐसे दो बार लिखते हैं है ना 10√2, तो आपको पता है 10 में 10 से गुणा करना है और √2 में √2 से आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये मिलकर के आपको 100 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर के कितना होता है 2 बनता है, तो ये हम कितना लिख सकते हैं 2। ये बहुत छोटी छोटी बात है ना, ये हम लोग कितनी बार ये सब चीजें कर चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे इस तरह का ना एक एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ जरा ध्यान दो, कभी भी अगर पूरे मतलब एक्सरसाइज में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसमें रिमाइंडर अगर आपको वर्ड दिखाई दे, क्या वर्ड दिखाई दे रिमाइंडर, तो समझना कि वहां पर रिमाइंडर थ्योरम लग रहा है। क्या लग रहा है रिमाइंडर थ्योरम, दो तरह का थ्योरम है इस पूरे चैप्टर में, एक फैक्टर थ्योरम और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा एक बात समझना है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है ना, और एक दूसरा पॉलिनोमियल यहाँ पे दे रखा है और कहता है कि इसको डिवाइड करना है इससे, है ना, यानी x माइनस 4 से एक बार इसको डिवाइड करना है, x माइनस 4 से इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद दोनों के पास सेम रिमाइंडर आ रहा है। यानी आप मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 5 को अगर आप डिवाइड करते हैं यहाँ 2 से, खूब ध्यान से समझिएगा, तो ये 2 × 4 हुआ, रिमाइंडर कितना है 1। उसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और अगर हम इसको क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 × 3 कितना होता है 6, यानी रिमाइंडर कितना है, तो इन दोनों केस में क्या है मतलब आपको रिमाइंडर सेम दिख रहा है। तो ये यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब जब अगर आपको इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो वही रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम ये बात कहता है कि आपका जो ये जी एक्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी एक्स, इसको आप जीरो कर दो, क्या कर दो जीरो, मतलब ये जो बात लिखा है यहाँ से साधारण भाषा में हम कह रहे हैं तो x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, क्या निकालो x की वैल्यू, तो x बराबर आपको क्या दिख रहा है 4। अच्छा x बराबर अगर 4 दिख रहा है तो खूब ध्यान से समझो, अब इसको क्या करना है पुट कर देना है, यानी पहले वाले px, तो यहाँ जो px दिख रहा है आपको है ना वो क्या दिख रहा है, तो ax का क्यूब प्लस में कितना ax का स्क्वायर माइनस में 3। अब हमको क्या करना है, इसके जगह पर 4 रखना है, कितना रखना है 4, तो यहाँ देखिए अगर हम 4 रखते हैं तो ये a की जगह पे a 4 का हमको क्यूब लिखना पड़ेगा और प्लस में 3 इनटू में 4 का स्क्वायर और माइनस में 3 रखना। यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो 4 × 16 = 64, यानी 64 टाइम्स ऑफ a है, प्लस में 4 × 16 = 48 है, 48 है और 48 की 3 हमने बटा है, तो इस सबको पता है कि सर ये 64 a है और यहाँ से 48 में 3 जाएगा तो प्लस का कितना 45 है। ठीक है, अच्छा यही काम आपको एक बार और करना है,
एक और आपके पास पी एक्स दे रखा है और ये पी एक्स कितना है, तो ये पी एक्स दे रखा है टू एक्स का क्यूब माइनस में कितना फाइव एक्स और प्लस में ए दे रखा है। इस बार भी आपको पी फोर निकालना है, पी फोर अगर आप निकालोगे तो टू इंटू में फोर का क्यूब लिखेंगे माइनस में फाइव इंटू में फोर लिखेंगे और प्लस का ए लिखेंगे, है ना। यहाँ से अगर हम क्या करें, आपको तो चार चौका सोलह चौका चौसठ चौसठ इंटू दो करेंगे तो एक सौ अट्ठाईस है ना, 120 माइनस ये 20 आएगा और प्लस में कितना इसमें से अगर आप घटाएंगे तो 108 आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है प्लस का ही। अच्छा यहाँ तक तो चीजें समझ में आता है, इसके बाद बच्चे गलती कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन में कहा है ना, मतलब इस बात को लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में ये बात कहा गया है कि रिमाइंडर क्या है ना, रिमाइंडर इन बोथ केस इज इक्वल, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर सेम है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, रिमाइंडर सेम। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान के रखना है कि ये जो रिमाइंडर दिख रहा है आपको, है ना, यानी 64a प्लस में कितना 45 ये बराबर आएगा किसके, 108, है ना, और प्लस में कितना a, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है 108 प्लस में a और यहाँ पे 64 का एक्स ऑफ, ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी रिमाइंडर हुआ और ये भी रिमाइंडर हुआ। किसी px में उसकी वैल्यू रखने के बाद जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर बचता है, क्या बचता है रिमाइंडर। तो आप ध्यान रखेंगे अगर मैं a को इधर लेके आऊं तो ये 63 टाइम्स ऑफ a आपको दिख रहा होगा, है ना, a इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस कर देंगे, 64 में से एक जाएगा तो 63 आएगा, और यहाँ पे जब हम इसको इधर लेकर के आएंगे 45 को इधर आप लेकर पाएंगे, तो ये भी कितना दिखेगा आपको यहाँ पे प्लस का 63, इसको उठा करके इधर आना, 45 को इधर लेकर जाएंगे तो 108 से 45 माइनस करेंगे तो a की जो वैल्यू आएगी इस केस में वो 63 अपॉन में कितना दिख रहा है 63, और इसको कट पिट करेंगे तो ये 1 टाइम्स दिख रहा है, हेंस जो a की वैल्यू वो कितना है 1 है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि a की वैल्यू बताना है आपको, तो ये इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम लोग ये सवाल बना सकते हैं, है ना। अच्छा a और b की वैल्यू होता क्वेश्चन में, कहता कि इसको इससे डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आता है, है ना, फिर कहेगा कि एक और डिवाइडर दे रहेगा उसको, इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर ये आता है, तो वहां से क्या करेंगे कि हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन।